अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में मोहसिन अब्बास हैदर के हवाले से खास खबर। आपको बता रहे चलें व्यूज़ के रिसेंटली मोहसिन अब्बास हैदर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। यहाँ व्यूज़ में मैं आपको बता चलूँ कि इस इंटरव्यू में मोहसिन अब्बास हैदर का कहना है कि उनको 3 ऐसे मेजर रोल्स ऑफर हुए थे पर अपनी मसरूफियात की बिना पर वो इन रोल्स को नहीं कर पाए, जिसमें से एक रोल खानी में फ़िरोज़ खान का करेक्टर था, दूसरा रांझा रांझा करदी में भोले का करेक्टर था और तीसरा परीजाद में परीजाद का करेक्टर था। उनका ये कहना था कि ये तीनों रोल्स जो हैं वो इन तीनों मेन एलीड एक्ट्रेस से पहले जो है वो इनको ऑफर हुए थे, लेकिन उनकी मसरूफियात की बिना के वजह से वो ये रोल नहीं कर पाए। और यहाँ उन्होंने जो है वो ये बात भी पॉइंट आउट की कि क्योंकि खानी जो है वो मोहसिन अब्बास हैदर नहीं कर पाए तो वो फ़िरोज़ खान के करियर का जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और फ़िरोज़ खान का करियर इस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हुआ। फ़िरोज़ खान को काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई हासिल हुई ड्रामा सीरियल खानी में मेन लीड रोल करने के बाद। उसके बाद वो परीजाद के हवाले से भी कहते हुए नजर आए कि क्योंकि परीजाद उनको ऑफर हुआ था, अब अपनी मसरूफियात की बिना पर वो परीजाद का रोल नहीं कर पाए, लेकिन अहमद अली बट जो है वो इस रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और उनके करियर में भी एक बूस्टअप आया। साथ साथ रांझा रांझा करदी के हवाले से भी उनका ये कहना था कि उन्हें भोले का करेक्टर ऑफर हुआ जो बाद में इमरान अशरफ निभाते हुए नजर आए और फिर वो भी इमरान अशरफ के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसकी वजह से जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल हुई और उनको बूस्टअप मिला। यहाँ भी वो इस बात को भी क्लियर आउट करते हुए नजर आए कि वो इस बात पर स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं कि जो जिसके हिस्से का होता है वो उस तक ज़रूर पहुँच जाता है, वो डेस्टिनी पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं। और उनका ये कहना था कि ये तीनों मेन लीड रोल्स जिन एक्ट्रेस ने निभाए वो इनके करियर का बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हासिल हुआ, इनके करियर को बूस्ट मिला क्योंकि ये इनके नसीब में लिखा था। यहाँ भी उसमें आपको बता दें उनके सोशल मीडिया पे फिलहाल उनका ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन का बायस बन रहा है। व्यूवर्स और फैंस काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, कॉमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, शेयर करते रहेंगे मजीद अपडेट इस वाले से। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, चैनल पर कुछ ना लगता है, आप इस अपडेट होते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।